स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो कैसे आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड इफ़ यू वाचिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम देन हेलो आई मेक वीडियो स्किन केयर ब्यूटी डी ए आई सम ब्लॉग्स एंड द लॉट मोर सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन टू कैच अप ऑल द फन सो विदाउट फर्दर लेट्स गेट सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है uh, मैंने इन प्रोडक्ट को खुद यूज़ किया है एंड उसके बाद में मैं आपके साथ में इसका जो रियल एक्सपीरियंस है उसको मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एंड जब मैंने इनको परचेज़ किया था तब भी मैंने इसका एक वीडियो डाला था तो आप उसे जाकर के देख सकते हो तो बस वही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि मेरा इन प्रोडक्ट के साथ में मामा अर्थ के प्रोडक्ट के साथ में कैसा एक्सपीरियंस रहा है सो so बस यही बताने जा रही हूँ हाँ एक्चुअल मैं जब मैंने ये प्रोडक्ट बाई किए थे तो मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आफ्टर वन मंथ इसकी इसका जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो गया है सो सॉरी फॉर दैट लेकिन अभी बात करते हैं इसके एक्सपीरियंस की मेरे साथ ये कैसा रहा है ये प्रोडक्ट मुझे कितना आ, मुझे इसका फ़ायदा मिला है कितना नहीं मिला है तो उसके बारे में बात करती हैं तो सबसे पहले तो मैंने ये प्रोडक्ट क्यों खरीदे एक तो आप सब लोगों को पता है मामा अर्थ की जो प्रोडक्ट है उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी चल रही है सब जगह आपको मामा अर्थ मामा अर्थ दिखेगा तो एंड उस टाइम पे जिस टाइम पे मैंने ये खरीदे थे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था लाइक बहुत ज़्यादा तो मैंने सोचा मैं भी इन्हें ट्राई करती हूँ तो मैंने इन्हें बाई कर लिया ऑनलाइन बाई किया था एंड बाई किए थे ये अनियन शैम्पू एंड अनियन कंडीशनर एंड सीरम ये तीनों चीज़ ही मैंने बाई की थी तो अब हम बात करते हैं जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो आ, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा जब मैंने इसे फर्स्ट बार अपने हेयर पर यूज़ किया तो फिर आप लोग बिलीव नहीं करोगे मेरा बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हुआ था बिल्कुल भी मतलब दो तीन बाल ऐसे तो टूटते ही हैं सबके टूटते हैं तो मतलब हेयर फॉल नहीं हुआ था लाइक like, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि मेरा हेयर फॉल बंद हो गया है एंड मुझे प्रोडक्ट सूट हो गए हैं लेकिन जब मैंने सेकंड टाइम इन्हें यूज़ किया थर्ड टाइम यूज़ किया बार बार यूज़ किया तो मुझे हेयर फॉल फिर से स्टार्ट हो गया मेरा हेयर फॉल बिल्कुल भी स्टॉप नहीं हुआ जैसे पहले हो रहा था वैसा ही होने लगा तो आ, मैंने यूज़ किया मैंने अभी तक यूज़ किया है बहुत कम प्रोडक्ट इसमें रह गया है तो तब मैंने अब इसे छोड़ दिया है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा है पता नहीं क्यों सूट नहीं हो रहा मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे ये प्रोडक्ट है वो हार्म कर गए हैं मेरे बालों को हार्म कर गए हैं बिल्कुल नहीं क्योंकि मेरे पहले भी फॉल हो रहा था अब भी फॉल हो रहा है तो मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी तो मुझे लगा कि शायद ऑयली या ड्राई स्कैल्प की कोई प्रॉब्लम रही हो इनके साथ में पता नहीं लेकिन मेरी जो स्कैल्प है वो नॉर्मल है तो आई डोंट नो क्यों मुझे ये सूट नहीं हुए सीरम हेयर सीरम इसका बहुत अच्छा है आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा मैं कहूँगी क्योंकि मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है लेकिन शैम्पू कंडीशनर मुझे सूट नहीं हुए आई होप आप सब लोगों को ये सूट हो जाए आ, लेकिन मुझे सूट नहीं हुए तो बस के लिए मेरी ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय